है राहुल। यार गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? हैप्पी दशहरा गाइस, दशहरा आ चुका है आज और हम जा रहे हैं, मतलब आज नौमी है और हम जा रहे हैं बाडोलास गांव। तो ये देखो तब से रो रही थी ये, तो इसके एक चाटा पर गए बैठे। ओ ओ ओ हाँ बेटा, ओ मैं लाडो नहीं, मैं लाडो मोनू है मेरा। हाँ देखो कस के दामन। चलो मटकर मटकर चलो, देखो दोनों दोस्त कैसे हो रहे हैं, सूखी मक्का खा रही है बटड़ बटड़। एक तो लग रही मुसलमान जैसी, ये छुटकी है नी मुस्लिम मुस्लिम, और सवारी ने सोच रही मच्छर लग रही। ओ माता फोड़ जाने का। और गाइस जो चूल्हा लीपने की ड्यूटी थी वो मुझे मम्मी ने दे दी, और यहाँ पे मैं गोबर और गारा दोनों, मतलब चिकनी मिट्टी होती है उसको मिला रही हूँ, तो उसको हमारे यहाँ पे वो लीपना बोलते हैं, तो लीप रही हूँ मैं चूल्हे को। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। और ये देखो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे से ना पहले जैसी सफाई नहीं बैठ रही चूल्हे में, मतलब पहले मैं बहुत अच्छा चूल्हा लीप देती थी, अब ऐसा लग रहा है कि शायद ही ना मेरा चूल्हा इतना अच्छा नहीं हो रहा मेरे से। तो दीदी बोल रही थी कि बाद में कर देना इसको, तो देखती हूँ भाई आपके सामने मैं चूल्हा लीप रही हूँ, आप लोग बताना कि मैंने जो लीपा है वो कैसा लीपा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मम्मी भी यहाँ नहीं है तो शायद वो होती तो वो बता देती, लेकिन आज मैं सारा मेरे दिमाग से कर रही हूँ भाई। पहले करती थी लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए तो पता नहीं अजीब सा हाथ ही नहीं चल रहा था इतना अच्छा, तो वो बार बार में मिट्टी बहुत ज़्यादा रह रही थी चूल्हे को। खूब कौन है जी, खूब लाग रही हो जी, सही है सही है। अच्छा तो देव खूब तो है, ले अब तो सही कर रही हो। अरे पानी मांग लिया वे, बोल बोल ले बोल दे, खूब आ रही हो, खूब आ रही हो वीडियो से कर रही हूँ। और का है रुक जा, खूब ऐसे दौर गला रहे छोटा छोटा। वीडियो कितने देर चलता छोड़ूंगा, रेंज के बांधे कौन से बांधे, रेंज के मैं बांधे हूँ, रेंज का मैं तो पहन लूँगा, चल जल्दी बढ़ गया राहुल। यार मेरा ब्लॉग भी चालू है यार। कितना प्यारा सजा रखा है ना हनुमान जी महाराज को, ये देखो कपड़े उपड़े पहना के, रेड कलर के कपड़े पहना रखे हैं। पहनो जल्दी पहनो, दशहरा की सजावट देखो गाइस, ये कितनी भीड़ हो रही है दशहरा पर। मतलब रावण जलाया जाएगा, पैसे चक्कर करने गए थे, पकड़ो इसको।
वहाँ पे भी चलाया, हमने वहाँ देखा था लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया वहाँ पे, लेकिन आप करूँगी। ये है दशहरा मैदान, ये कौन बैठा थे सारा, इतना ही सही अच्छा बैठा है। ऊपर दिखा अभी भगवान राम बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, अभी रावण यहाँ पे मरा नहीं है, जिंदा है, तो पहले उसका वेट करते हैं कि भगवान राम कब जीतते हैं। चलते हैं दिल मिलाता हुआ रॉकेट, क्या हुआ ये है ना, ये फोन पे कैप चला रहा है, दिल मिलाते हुए फटाके। अच्छा सजा दिया गया है, बहुत ही अच्छा रावण कुंभकर्ण बनाया था वहां पे बगल में, और शायद ये कौन हो सकता है, मेघनाथ। तो ये तीनों हैं, तीनों को आज जलाएंगे यहाँ पे, और अभी श्री राम जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, रावण आएगा बन के जो सचमुच का होता है वो, और वो युद्ध करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे उनको जलाया जाएगा कि भैया रावण मर गया है, गर्दन कट जाएगी जैसे आग लगेगी, ये पूरा तहस नहस हो जाएगा। और हम है ना काफी दूर खड़े हुए हैं, मतलब बहुत ही दूर हैं, और इतना बड़ा दशहरा मैदान है, यहाँ पे भी लोग मुझे पहचान गए, तो मुझे ना और गाइस मैंने पहली बार मेरी जिंदगी में सचमुच, मतलब मैंने जो ये रावण मरण का जो खेल होता है, खेल क्या युद्ध होता है ना, इसको मैंने पहली बार एंजॉय किया, पहली बार मैंने देखा। आसमानी पापा ने मेरे से बोला था, तब हम गांव से आ रहे थे ना, तो उन्होंने बोला कि तुम ट्रेन से चल जाना, पर पता नहीं क्यों शायद मुझे आज देखना ही था, तो मेरा मन ट्रेन से नहीं, मतलब मेरा मन नहीं बोला कि मैं ट्रेन से जाऊं, क्योंकि मुझे रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है अपने रणथंभौर के वहां पे पड़ता है, तो मुझे उस मंदिर में भी जाना था, और मुझे वहां पे भी रावण दिखाई दिया, वहां पे भी उन्होंने बना रखा था झांकी थी वहां पे भी। जैसे ही मैंने उनसे बोला कि यहाँ देखूंगी, तो मैंने ब्लॉग शूट करती, लेकिन उससे पहले उसको जला दिया गया। फिर स्वानी के पापा ने बोला कि दशहरा में जाऊंगी सवाई माधोपुर में, वहां पे भी ये होता है प्रोग्राम, तो फिर हम था आरएसपी का, तो मुझे देखना था, वही पहली बार देखा था मैंने, तो मेरे भी मन में था अच्छा कि भैया मैं भी देखूँ। और पता नहीं आप लोगों में से कौन कौन ने नहीं देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज लाइव चल रहा है आप देखो, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, बहुत ही शानदार जबरदस्त वाला ब्लॉग है। लेकिन भैया लोग बहुत ज़्यादा मुझे पहचान गए, तो थोड़ी मुझे नर्वसता फील हुई यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे लोग नहीं जानते ना, तो मैं जयकारा लगाती, मुझे बहुत मतलब बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, वो मज़ा मैं नहीं ले पाई, लेकिन कोई बात नहीं भैया, देखते हैं रावण का, वेट करते हैं कभी रावण ख़त्म होने वाला है, कब श्री राम आने वाले हैं, और यहाँ पे युद्ध होने वाला है इधर, और ये लोग आए ना अपने पीड़े पीड़े फेंटे बांध रखे, ये लोग शायद कार्यक्रम को चालू करेंगे, और उसके बाद में रावण मरेगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो